महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में फिर से बारिश शुरू हो गई है। भारी बारिश से राज्य के किसान संकट में हैं। बारिश ने कृषि फसलों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। राज्य के नंदुरबार जिले में भी भारी बारिश के कारण कपास और सोयाबीन की तैयार फसल बर्बाद हो गई। जिले के अधिकांश तालुका में सबसे ज्यादा कपास की फसलें पानी में डूबी। इस कारण किसान हताश है। किसानों का कहना है कि खेतों में काट कर रखी गई फसलें खराब हो गई है, जिस कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं दूसरी ओर बारिश से लाल मिर्च की फसल भी खराब हुई है। मसलन किसानों ने कटाई के बाद जो लाल मिर्च सुखाने के लिए रखी थी, वो बारिश से काली पड़ गई और इससे किसान के साथ व्यापारी परेशान हुए। महाराष्ट्र में कई किसान जिलों में इस समय फसल कटाई का काम चल रहा है। ऐसे में हो रही बारिश से किसानों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। ऐसे में किसान परेशान है कि आखिर उपज को कैसे सुरक्षित रखा जाए। उधर मौसम विभाग ने 14 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना जताई है। बारिश के चलते कपास और सोयाबीन को नुकसान पहुंचा है, साथ में लाल मिर्च भी पानी में भीग गई है। जिले में बड़े पैमाने पर लाल मिर्च की खेती होती है। नंदुरबार मंडी में सबसे अधिक मिर्च की खरीदी और बिक्री होती है। अन्य राज्यों से भी यहाँ की मिर्च की डिमांड रहती है, लेकिन इस बार बारिश के चलते लाल मिर्च सूख नहीं पा रही, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश ने किसानों और व्यापारी दोनों को प्रभावित किया है। किसानों ने बारिश से हुए नुकसान का पंचनामा कर तत्काल राहत देने की घोषणा करने की मांग की है। उधर नंदुरबार जिले में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है और इसका असर किसानों पर पड़ रहा है। जिले में चुनी हुई कपास गीली होकर खराब हो रही है और जिले में हर जगह बारिश देखने को मिली, जिसके चलते कपास और सोयाबीन की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। बारिश से धान की खेती भी प्रभावित हुई। जिले में कपास पर गुलाबी सुंडी का रोग फैलने से भी किसान परेशान है। अब बारिश ने मुश्किलें और बढ़ा दी। किसानों को उम्मीद थी दीपावली में कपास का अच्छा रेट मिलेगा, लेकिन बारिश में उम्मीदों पर पानी फेर दिया। राज्य के कोल्हापुर, पुणे, सोलापुर, मुंबई, हिंगोली, वाशिम, पालघर, लातूर जिलों में भी पूरी रात बारिश देखने को मिली, जिससे फसलें बेहद खराब हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।